जिसकी बड़ी सेटिंग है, जिसको जिसका पीएमओ से फोन आ जाए, गृह मंत्रालय से फोन आए, नागपुर से फोन आ जाए, बड़े जगह से फोन आ जाए, उनका होगा। और जो छोटे लोग हैं, जो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, जिनका कोई इस तरह का नहीं है, वो निकाल दिया जाएगा। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि नौकरियां हो। 200-point रोस्टर था पहले, और इसी मोदी जी की सरकार के UGC ने उसको 13-point में बदल दिया था। यानी आपकी मंशा सही नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त यहाँ जंतर मंतर पर जो डूटा का आप प्रदर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर सारा जो डूटा स्ट्राइक जो है यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर डूटा के इतने सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। 200-point रोस्टर का जो लगातार इनको बोला गया था, उसके तहत यहाँ पर वो कुछ नहीं हो रहा है। और प्रोफेसर्स को जो पेंशन जो देनी चाहिए थी वो पेंशन बहाल नहीं की गई है, और यहाँ पर जो सारे इकट्ठा हुए हैं डूटा के प्रोफेसर्स, जिनको परमानेंट होना था वो परमानेंट भी नहीं हुए हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आलोक पांडे जी। तो सर, यहाँ पर आज डूटा का स्ट्राइक हो रहा है, इतना लोग जुटे हैं, तो क्या कुछ रहा है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ और पहले डूटा वाइस प्रेसिडेंट था। तो हमारे यहाँ लंबे समय से एडहॉक पढ़ा रहे हैं, ये केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक पढ़ाया करते हैं। मैंने भी 14 साल एडहॉक पढ़ाया है, और 14 साल, 15 साल, 16 साल एडहॉक पढ़ाने के बाद 5 मिनट के इंटरव्यू में टीचर को बाहर कर दिया जा रहा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने 2016 में हमने एक निर्णय लिया था कि 1-time रेगुलेशन लाकर एब्जॉर्ब कर दिया जाए, जो शिक्षक जहां पढ़ा रहे हैं उनको कर दिया जाए। जैसे अभी पंजाब सरकार ने किया, अभी उड़ीसा सरकार ने किया, राजस्थान सरकार ने किया था, उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने किया था। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज सारे जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ। तो हम इस धरना के माध्यम से उनके पास अपने इस आग्रह को पहुंचाना चाहते हैं कि आप एक 1-time रेगुलेशन लेकर आइए। और उन जो पढ़ा रहे हैं, अब देखिए 22 साल से जो 50 साल की उम्र के लोग हो गए, उनको 5 मिनट के इंटरव्यू में, ये असंवेदनशीलता की हद है कि 5 मिनट के इंटरव्यू में आप बार कर लेते हैं। आपको ये चीज और बता दूं, हमारे यहाँ हर 4 महीने बाद लेटर दिया जाता है टीचर्स को, हर 4 महीने बाद। यदि आपको 4 महीने बाद उनमें उतनी एबिलिटी नहीं थी तो 4 महीने बाद हटा देते। आप उनको 36 लेटर दे चुके हैं और 36 लेटर के बाद 5 मिनट इंटरव्यू आप बाहर कर दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना आप लीजिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मत कीजिए। मैं तो मैम आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, कोई बड़ा से बड़ा कोई भी क्यों ना हो, यदि सारा कुर्सी का अंतर होता है, यदि मैं उधर बैठ जाऊँ तो मैं उनका इंटरव्यू खराब कर सकता हूँ। तो जो पर्ची लेकर आ रहे हैं और पर्ची लेकर आ रहे हैं और इनको हटा के उनको कर दो, ये सही नहीं है। धांधलेबाजी भी हो रही है, बिल्कुल ये धांधलेबाजी, ये अमानवीयता है या संवेदनशीलता है, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। कि आप 15 साल, आप देखिए 55 साल के लोग हो गया, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए। आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हंसराज कॉलेज में जिस टीचर ने पढ़ाया था उसको हटा के उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट को परमानेंट कर दिया गया। जो जिसने, मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे हटा दिया और आपको रख लिया गया। तो यदि उसका पढ़ाया हुआ खराब था तो आ नहीं सकता था। तो ये जो पर्ची के नाम पे किया था, हमारा विरोध है कि आप डिस्प्लेसमेंट मत कीजिए। जो जहाँ पढ़ा रहा है, लंबे समय से पढ़ा रहा है, सबको एब्जॉर्ब कर दीजिए। अभी आपने पढ़ा होगा उड़ीसा सरकार में 57,000 लोगों को, जबकि वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल था, यहाँ एब्जॉर्प्शन है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, पूरी सैलरी दी जाती है हर एडहॉक टीचर को। यहाँ पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई सरकारी पैसों का प्रॉब्लम आएगा, पैसों की कोई समस्या नहीं है। आप उतनी सैलरी तो दे ही रहे हो, बस एक लेटर निकाल के एब्जॉर्ब कर दो, हमारा ये डिमांड है। नो डिस्प्लेसमेंट, हमारा ये डिमांड है। परमानेंट मतलब जो नहीं हो पा रहे परमानेंट, हाँ उनको परमानेंट किया जाए। अभी हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में ना इंटरव्यू चल रहा है, और इंटरव्यू के नाम पर आप सोचिए कि आप 5 मिनट का इंटरव्यू में आप हमारे पूरे 25 साल के कैरियर को जज कर लेते हो। तो हमारा ये मानना है कि आप इंटरव्यू लीजिए यदि लेना है, तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट मत कीजिए। आपको मैंने एक उदाहरण दिया, 60 साल में लोग एडहॉक से बाहर हो जा रहे हैं। तो एडहॉक जो है ना, ऐसा होता है कि जैसे मरियल सा हो गया है, उसको जबरदस्ती सताया जा रहा है। तो डूटा के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं कि एब्जॉर्ब कीजिए।
देखिए यहाँ पे कितने बुद्धिजीवी जो हैं, यहाँ पर शिक्षक हैं, तो उन लोगों को सोचिए परमानेंट नहीं किया जा रहा। सर क्या नाम है आपका? आदित्य नारायण मिश्रा। सर जिस तरीके से अभी सर ने बताया रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है एक इंटरव्यू के द्वारा, जो इतने 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, इतने इतने बुद्धिजीवी हमारे विश्वविद्यालय में टीचर्स हैं, तो क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ धांधलीबाजी चल रही है? देखिए ये सरासर गलत हो रहा है। लोगों का रोजी रोटी छीना जा रहा है, जो इतने सालों से काम कर रहे थे उनका परिवार कैसे चलेगा, उनका आगे उनका फीस कैसे, बच्चों का फीस देंगे, घर का खाना कैसे खाएंगे, ये तमाम चीजों को सोचते हुए बहुत दुखद सिचुएशन पैदा हुआ है। जो हमने डूटा जनरल बॉडी मीटिंग में हमने ये फैसला किया था कि एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और किसी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, आज सबका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। वन टाइम रेगुलेशन जरूरी है। सर आप भी पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ाते? आई टीच देयर एट अरविंदो कॉलेज। आई वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द डूटा थ्राइस। आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द फेडरेशन ऑफ सेंट्रल। एडहॉक में आते हैं? एडहॉक में आते हैं? मैं एडहॉक में नहीं आता हूँ, मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ, लेकिन मेरी संवेदना, मेरी सारी चीजें मैं एडहॉक टीचर के साथ रखता हूँ। तो अभी देखिए किस तरीके से लगातार जो शिक्षक हैं किस तरीके से लड़ रहे हैं, सोचिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ राजधानी कॉलेज में। तो आप हेड हो के? जी मैं हेड हूँ। कितने टाइम से आप? मैं तो अभी जल्दी हूँ, 3-4 साल से हेड हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर हैं, 15 साल 20 साल 10 साल 8 साल से हेड हैं, और हमारी ये मांग है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, वहाँ पर जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल थे, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब एडहॉक से 2 डिग्री नीचे, हम लोग एडहॉक हैं, तो हमें तो अब तो हमारे यहाँ जो महिला शिक्षिकाएँ हैं उनको मैटरनिटी लीव भी मिलने लगा है, तो एडहॉक तो एक बहुत अपग्रेडेड है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं वो उड़ीसा में परमानेंट कर दिए गए, पंजाब में परमानेंट कर दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिया तले अधेरा वाली बात है, कितने लोग एडहॉक पढ़ा रहे हैं और उनको 10-10 साल 20-20 साल पढ़ाने वाले लोगों को रिप्लेस करके नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और हम लोगों जो इतना सर्विस दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को, अपनी मतलब पीक टाइम हमने अपना यूनिवर्सिटी को दे दिया, वो यूनिवर्सिटी हमसे मुंह मोड़ रही है। तो डूटा है हमारा टीचर्स एसोसिएशन है, उसके साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पर अपनी बात कह रहे हैं। क्या बोल के निकाला जा रहा है, किस बेस पे निकाला? नहीं, एक एडहॉक पैनल बनता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो तभी उस पैनल में आपका नाम होगा, फिर एक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के थ्रू आप एडहॉक लगते हैं। अब क्या है, परमानेंट का इंटरव्यू फिर से हो रहा है, तो उस इंटरव्यू में लोग बहाना बना के, इंटरव्यू बोर्ड का बहाना बना के, इनका बहाना बना के, उनका बहाना बना के, जिसकी बड़ी सेटिंग है, जिसको जिसका पीएमओ से फ़ोन आ जाए, गृह मंत्रालय से फ़ोन आए, नागपुर से फ़ोन आ जाए, बड़े जगह से फ़ोन आ जाए, उनका होगा, और जो छोटे लोग हैं जो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं जिनका कोई इस तरह का नहीं है वो निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। पीएमओ से भी मतलब जैक पैक वाले लोग ऐसे मतलब हाँ, बैठे हुए हैं विश्वविद्यालय है, गृह मंत्रालय सर जी। तो अभी जो है संतोष जी हमारे साथ है, राजधानी कॉलेज में पढ़ाते हैं, और भी यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट्स है काफी लोग हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध है। पढ़ाते हैं आप? टीचर है। क्या कुछ हो रहा है हेडोक के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी सर ने बताया कि जो टीचर पढ़ाकर स्टूडेंट को जा रहा है वही स्टूडेंट वहां पर जाके टीचर की नौकरी, प्रोफेसर की नौकरी लग जा रहा है, ऐसा वो उन्होंने बताया, ऐसा भी हो रहा है? हाँ देखिए, वो तो नेचुरल है एक सिस्टम में, मतलब जो उसके लिए क्राइटेरिया है मास्टर्स नेट, उसके बाद फिर वो इंटरव्यू देते हैं, हो जाता है। नहीं, वही टीचर एलिजिबल नहीं पा पा रहे हैं, वो इंटरव्यू में उनको क्लीन बोल्ड कर दे रहे हैं। ओके हाँ, ये तो है, ये गलत हो रहा है, जो भी एडॉप के साथ नहीं होना चाहिए ऐसे। तो आप लोग क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? 200 पॉइंट रोस्टर का भी कुछ बताइए हमारे। हमारी मांग यही है कि जो एडहॉक लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, इतने इतने सालों से, उनकी लाइफ में अब कोई कैरियर ऑप्शन भी नहीं है, तो उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए इंटरव्यू के थ्रू ही सही, लेकिन उन्हें डिस्प्लेस नहीं किया जाए किसी भी कोस्ट पे, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन क्रिएट होता है अगर ऐसा होता है तो। मैं यही कहूंगा कि जो भी एडॉप्ट वगैरह में भी कुछ आपके मतलब कुछ कटौती हो रही है या सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही है? सैलरीज तो टाइम पे आ रही है, कुछ कॉलेजेज हैं जैसे जो दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है 12 कॉलेजेज में, बाकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज है वहाँ पे सैलरी का तो कोई इश्यू नहीं है, बस यही है कि रिटेन किया जाए, जो जहाँ पढ़ा रहे हैं उन्हें रिटेन किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए कैसी समस्या है, कभी स्टूडेंट्स रोड पे होते हैं तो कभी प्रोफेसर्स रोड पे होते हैं, अभी और भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव कुमार है। आप पूजा है? मैं जानता हूँ रतनलाल वाले पे था। हाँ बताइए बताइए पूछिए क्या। सर आप भी हेडॉक टीचर हैं? नहीं नहीं मैं परमानेंट हूँ। परमानेंट है, आपको तो समस्या ही नहीं होनी चाहिए सर। देखिए समस्या है, समस्या इसको ऐसे देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग पिछले 15 साल से अस्थाई नियुक्ति नहीं हुई, ठीक। और जब अस्थाई नियुक्ति अगर नहीं होगी तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो एजुकेशन का गुणवत्तापूर्ण जो उद्देश्य होता है वो बाधित होता है। यानी आप यूनिवर्सिटी की कल्पना बिना शिक्षक के, बिना विद्यार्थी के आप नहीं कर सकते। तो अस्थाई नियुक्ति होनी चाहिए, एक बात तो ये है। दूसरी बात, दूसरी तरफ जो जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में और इनके इनके ऊपर जो आरएसएस का जो समर्थन है, इससे क्या हो रहा है, इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया है कि इनकी मंशा ही नहीं है कि नौकरियां हो। अब यहाँ एडहॉक पढ़ा रहे थे, याद कीजिए एडहॉक का मतलब कच्ची नौकरी। अब 10-15 साल से अब इन्होंने दबाव में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब उसमें हो क्या रहा है, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या यह आ रही है कि जो 15-15 साल से जो पढ़ा रहे हैं लोग, उनको रिप्लेस कर दिया जा रहा है कहीं से भी किसी को ला के। तो अब आप बताइए कि जो 15 साल 20 साल 10 साल जो काम कर लिया उसके लिए कोई आपने ऑप्शन नहीं छोड़ा। अगर ये समय पे नियुक्ति कर देते और उस समय इनका नहीं होता तो अपने जीवन में कोई ना कोई रास्ता तलाश लेते, तो यह एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है जो रोस्टर वाली बात इन्होंने कहा, याद कीजिए जो ओबीसी का रिजर्वेशन आया था या उसके पहले ओबीसी, एससी एसटी के बाद ओबीसी का, तो भारत सरकार ने उसके लिए अतिरिक्त सैंक्शन पोस्ट रिलीज की थी आरक्षण लागू करने के लिए। इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया 2019 में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का उन्होंने लागू किया। लेकिन जो 10% आपने दिया, वो 10% आप उसके लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा सीट आपने नहीं दी, तो अब वो 10% जो है वो पहले से एग्जिस्ट जो कर रही हैं पदे उन्हीं में से मिलेगा, तो या तो कहाँ से जाएगा, यूआर से ही देंगे तो भी तो डिस्प्लेस होगा, ये गलत है। आप जब कोई नया आरक्षण लागू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीटें देनी चाहिए थी, जैसे ओबीसी में अर्जुन सिंह ने दिया था 27% बच्चों के एडमिशन में दिया था, टीचिंग पोस्ट में दिया था, हर चीज़ में दिया था। लेकिन ये सरकार एक तरफ आरक्षण दे रही है ईडब्ल्यूएस और उसके लिए पद नहीं दे रही है। तो जो पहले से काम कर रहा है 10-15, आज ईडब्ल्यूएस आप कर देंगे पोस्ट एक रिजर्व तो ईडब्ल्यूएस आएगा, तो डिस्प्लेस कौन होगा, तो उसके साथ भी इनजस्टिस है। तो इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और ओवरऑल तमाम चीज़ें हैं। देखिए है क्या, दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार दलित पिछड़े आदिवासी तबके की एक पीढ़ी टीचर के रूप में आई है, जो दलितों के लिए एससी एसटी के लिए 1997 में हायर एजुकेशन में प्रोफेसर के पद पे आया, ओबीसी के लिए 2007 यानी मंडल वगैरह सब चीज हो चुका है पहले 97 और 2007, और उसके बाद आप जो है 2014-15 से अपॉइंटमेंट ही नहीं किए। तो एक बहुत बड़ी संख्या एससी एसटी ओबीसी की है। अब जो पहली लग गया अब उसको एससी एसटी ओबीसी से ही आप रिप्लेस कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो 10 साल पहले लग गया उसका पढ़ाया हुआ आज उसके सामने है, तो यह भी तो एक गड़बड़ है। तो ये तमाम विसंगतियां हैं नीतियों के लागू करने में जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और कुल मिलाकर के यह निजीकरण के खिलाफ भी है। वो इसलिए नियुक्ति कर रहे हैं, देखिए संघ ने बड़ा तरीके से कब्जा किया शैक्षणिक संस्थानों को कि एक लंबे समय तक, कल को सरकार बदल भी जाती है तो शैक्षणिक संस्थाओं में कब्जा रहे और इनका सब कुछ अपने मन मुताबिक चले। याद कीजिए 2018 में 200-point रोस्टर था पहले, और इसी मोदी जी की सरकार के यूजीसी ने उसको 13-point में बदल दिया था। यानी आपकी मंशा सही नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन का भी मामला है कि आप सारा चीज़ बेच रहे हैं और इसके बाद आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर देंगे, सब चीज़ कर देंगे। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ा रहे हैं
उनका करो। जो बच्चा आज पढ़ के निकल रहा है वो फिर भी कुछ कर लेगा, उसके पास समय है, लेकिन जो 10 साल पहले लगा है उसके पास अब कोई समय नहीं है। उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ जाती होगी, वो रिजर्व सेक्शन की पहली पीढ़ी है, अनरिजर्व के भी हैं, तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं। सर ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से रिक्तियाँ हैं SC ST OBC जो शिक्षक पद की रिक्तियाँ हैं उसमें भी कुछ घपलाबाजी की जा रही है। पूजा जी देखिए ये तो है ही, आप देखिए ना 1997 में आपका SC ST OBC के लिए लगा, 2007 में OBC के लिए, 97 में SC ST के लिए। अब यह बताइए उनका शॉर्टफॉल और बैकलॉग कि उस वक्त में जितना होना चाहिए वो तो आप दे ही नहीं रहे हैं, वो तो घपला है ही, बिल्कुल घपला है। क्योंकि देखिए आप संसद में आपके लोग जीत गए, वहाँ नियम बना दिया कि भाई रिजर्वेशन होगा, लेकिन जो संस्थान में बैठे हुए वाइस चांसलर हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो UGC चेयरपर्सन हैं, वो कभी ये नहीं चाहते उन नीतियों को लागू करना है। सुखदेव थोराट जब बने थे तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद 2018 आपका नमूना है ना, एक चीज़ सेटल 200 पॉइंट रोस्टर सेटल था, तो 2018 में 14 से मोदी जी की सरकार है, UGC ने क्यों उसको 13 पॉइंट में बदला, तो घपला तो वहीं से है। नीचे वालों को मन बढ़ता है ना जब ऊपर बैठे हुए UGC या मंत्रालय अगर कोई अगर इस तरह से घपले का संकेत दे, तो नीचे बैठे हुए उनके लोग प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हैं या वाइस चांसलर हैं या और जो विभागाध्यक्ष हैं, उनका तो मनोबल और बढ़ जाता है, तो घपला है ही। और हम लोग जो सबाल्टर्न सेक्शन के जो लोग हैं जब आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, फंसाने का प्रयास किया, सब हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, बट हम लोग लड़ रहे हैं, फिर भी हमारे पास कोई विकल्प तो है नहीं, तो है घपला, आज भी घपला है रोस्टर में। उनका हक जो है जितना चाहिए नहीं है, बट हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो हो रहा है उसमें तो दो, बाकी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से रिक्तियों में लगातार घपला किया जा रहा है, SC ST OBC की जो रिक्तियां हैं जो पद हैं उसमें लगातार किस तरीके से घपला किया जा रहा है, वही एडहॉक के नाम पर जो लगातार परमानेंट नहीं किए जा रहे टीचर और उनको 13 पॉइंट रोस्टर ला करके जो बताया गया था वो घपला सोचिए अब कैसे किया जा रहा है। अब 200 पॉइंट रोस्टर लाने का जो इनका मसला है वो देखिए, पहले 13 पॉइंट रोस्टर ला दिया गया, सरकार की मंशा समझिए कि किस तरीके से विश्वविद्यालयों पर भी कब्जा किया जा रहा है और लगातार शिक्षा के संस्थानों को भी निजीकरण में बदल दिया जा रहा है और उन पर भी जो जितने टीचर हैं उनके साथ भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं कि आज उन शिक्षकों को उन बुद्धिजीवियों को यहाँ रोडों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। इसी के साथ देख रही जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।